गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हाजीपुर से एक खबर है जहां जहरीला प्रसाद खाने से 126 लोग बीमार हो गए। मामला पातेपुर के महरथी धर्मचंद्र पंचायत का है। आपको बता दें कि महरथी के विशुनपुर गोविंद गांव के रहने वाले विमल राय के घर 10 जून को सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी। पूजा का प्रसाद खाने के बाद तुरंत ही 5 से 6 लोग बीमार हो गए और उसके बाद धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता चला गया। रविवार को 60 बच्चे समेत 126 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को पातेपुर और साथ ही महुआ के रेफलर और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा थी जिसका प्रसाद इन लोगों ने खाया था और प्रसाद खाने के बाद ही ये तमाम लोग बीमार हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल है। तो 60 बच्चे समेत 126 लोग बीमार हैं, अस्पताल में भी भर्ती है, इलाज जारी है। सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी जिसका प्रसाद इन लोगों ने खाया था। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये तमाम बातें कही जा रही है। तो पूजा का प्रसाद खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, प्रसाद खाने के बाद 126 लोग बीमार। वैशाली से बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पातेपुर के विशुनपुर गोविंद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 60 बच्चे समेत 126 लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी, पूजा के दौरान इन सभी ने प्रसाद खाया था और एक एक करके सबकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी। तो रेफलर और निजी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 60 लोग थे, फिर 126 हो गए हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। पातेपुर के विशुनपुर गोविंद गांव का पूरा मामला। अब बात करेंगे रांची हिंसा को लेकर। रांची हिंसा के चौथे दिन मामला जहां शांत होता दिख रहा है, तो स्थिति नियंत्रण में है।